So welcome everybody to another vlog guys. So आज हमें यार बाड़ उराख वाटरफॉल के एरिया में जो कि जर्मनी में है, 5 दिन का इटली का ट्रिप खत्म हो गया हमारा, बट आज 6th day. सो एक लोकेशन है जो कि वाटरफॉल, इंडिया में बहुत सारी बारिश हो रही है तो जगह जगह पे वाटरफॉल देखने को मिल रहे हैं सबको, जैसे कि अपने माथेरान वो लोनावड़ा के बहुत सारे वाटरफॉल है, भंडारदरा वहाँ पे बहुत सारे लोग ब्लॉग बना रहे हैं, तो मैंने भी सोचा कि चलो जर्मनी का भी एक वाटरफॉल का ब्लॉग आपके लिए बनाया जाए. तो ये मेरे पीछे बाड़ूराग का सिटी गाइस, एक बाड़मुटेबग में एक छोटा सा सिटी है, और हम जहाँ पे जा रहे हैं वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट प्लेस है, मतलब इतना डिफरेंट है कि ये देखो फुल हरियाली. 10 मिनट हो चुके चलते चलते, 20 मिनट हो चुके हैं, लेकिन अभी स्टार्ट में ही है. वहाँ से पांच डिफरेंट लोकेशन है, यहाँ पे एक किला है ऊपर जो कासल करके, एक वहाँ पे नहीं जाएंगे हम बिकॉज वैसे प्रिपरेशन से तो नहीं आए हम, बट ये जो चलने का जो एक पूरा एक ट्रैक है, दो से तीन किलोमीटर का ट्रैक है, मैं आपको एक सराउंडिंग दिखाता हूँ बिकॉज यहाँ पे जगह जगह पे ना बैठने की जगह है, और पीछे तो भाई क्या ही है. ये बाडेन-वुर्टेम्बर्ग की खासियत है, जो साउथ जर्मनी ना इसकी खासियत है. और वाओ ये देखो, एक सेकेंड घूमना कैमरा भाई, हाँ घूम गया. वाओ एक्चुअली हम जब निकले घर से वहाँ थे बहुत ज़्यादा धूप थी, मतलब हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, बट बारिश होने वाली है, बट ठीक है बारिश भी होगी तो मज़े आने वाले, कोई इतना टेंशन नहीं है. वाओ क्या सिटी है मेरी जान, ये सिटी देखने का बनता है ना मेरी जान, ये पूरा वाटरफॉल का एरिया है. आप क्या कर रहे हो मैम? मैं एक्चुअली मतलब यहाँ पे बहुत सारे एप्पल के पेड़ भी है मतलब रास्ते में, तो वो तो तोड़ के खाना ही है क्योंकि खरीद के खाने में, और ये जो ऑर्गेनिक नहीं जो नेचुरल्स है वो जो सीधा तोड़ के खाने में पेड़ से उठा के, वो तो भाई अलग मज़े. वाह उंटर वाटरफॉल वेग, हाँ यही पे लिखा ना, हाँ वाह. अब मेडिटेशन वाला म्यूजिक आएगा, ये देखिए ये मेडिटेशन वाला म्यूजिक है, यहाँ से छोटा सा वाटरफॉल है लेकिन वाह. एग्जैक्टली नेचर को मिलते हैं गाइस. वाओ इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे. वाओ पूरा वॉक थ्रू भाई अपने पास, स्टार्ट से लेके एंड तक. सारे सिनेमैटिक, बहुत सारे सिनेमैटिक शॉट्स के बाद गाइज अभी टाइम है मेरा मुंह दिखाने का, क्योंकि अपन विचित्र है नहीं ऐसा नहीं. सो गाइस और यार 500 मीटर बाकी है, लेकिन अभी थोड़े से चढ़ रहे हैं ना, तो तकलीफ हो रही है, बट वेदर इतना अच्छा है ना कि गर्म हो रहा है ना तो कुछ हो रहा. सो
काफ़ी मैग्निफिशेंट वाला वेदर है, मतलब सपोर्टिंग वाला। अच्छा ओके ओके, डायरेक्ट धप करने डाके। ओके आई थिंक आई उड़ी मान कहता है क्या थी। चलो भाई वाटरफॉल वाली केव देखने का मजा लेते हैं बैठ के एक जगह पे ना, थोड़ा सा डेंजर वाला एरिया है। एक से करार भी सो बैठ गया मैं। ये व्यू नहीं छूट रहे मेरे से, मैं मुझे ऐसा लग रहा है ना कि एक व्यू छूट जाएगा तो वो छूट जाएगा, इस चक्कर में मैं सारे वीडियो निकाल ले रहा हूँ। और गाइस एक बात इतनी इम्पोर्टेंट है कि मतलब जो मोबाइल होता है ना, मोबाइल से शायद इतने मतलब जो वीडियो है वो शायद मैं कैप्चर नहीं कर सकता था। ये जो मैंने पॉकेट टू लिया हुआ है ना छोटा सा, जो एक्शन कैमरा है जिसका बैटरी बैकअप वो सारी चीज़ें इतनी अच्छे से चलती है गाइस, तो व्लॉग्स करने में इजी हो रहा है मेरे को। इसके बाद एक एडिटिंग टूल आती है जो कि AI यूज़ करके थोड़ा सा मेरे को हेल्प करना है, थोड़ा भागता हूँ मैं। व्हाट हैपेंड, भागना नहीं ब्रो। किंग फिशर है क्या? नहीं चिमन है, उड़ना नहीं प्लीज। चकली है, किस लॉजिक से हिल रहा है बे? किस लॉजिक से अकेले हिल रहा है तू? बाकी सब तो नहीं हिल रहे, तू क्यों हिल रहा है? नेचर हैज सो मेनी सरप्राइजेस गाइस। अरे गाइस ये अंदर जो आने जगह एक लेकिन बैठने की भी जगह है। ओके वाओ, बारिश आ चुका है, अभी हमारी छतरी चलने वाली है। हम छतरी घर पे रख के आए गाइस, छतरी घर पे रखने का रीज़न ये था कि हमको गीला होना है। बहुत दिन से गर्मी में इटली में गर्म हो चुके हैं, हमको ठंडा होना है अभी, ठीक है? तो ठंडा होने के लिए गीला होना पड़ेगा और गीला होने के लिए नहाना पड़ेगा और नहाने के लिए ऊपर से बारिश होनी पड़ेगी, तो बारिश होने के चक्कर में अभी बारिश होगी। ए तो ठो रे कार भी मेरे पीछे देख रहे हो गाइस, वो यहाँ की गाय। हाँ देखो ये गाय दिख रही होगी आपको शायद इस जगह पे ना। हाँ सो प्रॉपर वो मतलब सन बात ले रही थी, लेकिन अभी बारिश की बात लेंगे। चलो ये अभी कैमरा थोड़ा सा गीला हो सकता है, इसका गिम्बल ख़राब हो सकता है, सो आई वुड ट्राई कि मैं उसको छुपाऊँ अभी। भाई साहब वो दिख रहा है कासल, वहाँ पे हमने जाना था बिकॉज वो बहुत दूर है। हाँ अभी तो बहुत चढ़ना है, बट ये व्यू मिस नहीं कर सकते थे आप। सो इस आपके लिए एक व्यू जनरेट होता है, ये व्यू जनरेट किया हमने, नहीं जनरेट किया कैप्चर किया मेरी जान। अच्छा अपने पंटर लोग थोड़े बैठ गए बिकॉज वो थक गए थोड़े, मैं भी थक गया हूँ, लेकिन थोड़ी सी बारिश भी हो रही ना तो अभी थोड़ा सा रुकेंगे बिकॉज बहुत सारी फैमिली रुकी हुई है हमें। अभी से ट्रैक्स अभी पाउ अभी पहाड़ ट्रिप्स ट्रिप वी फील ट्रिप। ये देखो भाई यावड़ी कर दोगे? ओ आया ट्रिप है ना, ठंड पानी को वाओ ए मस्त है।
दिस इज द मोमेंट। आराम दी, रिलैक्स। ये एक्चुअली बहुत ठंडा पानी है, मेरा मुंह धोना बनता है भाई। हाँ, एक रिक्वेस्ट है, कोई मूतना होगा मूत रहा नहीं होगा, अगर किसी ने ऊपर मूता होगा तो फिर पता नहीं, बट ठीक है, पूरा आवारा फटने वाला इधर। पण लोक चढला क्या अजून क्या पण एकला चढणार हा बस पे चलो हो उठा मुरे पण रे हाँ मैं ठान लिया गया इसमें तो प्रिपेयर की नहीं करने वाला अपने हर जगह पे। हाँ नहीं वो एक जगह वो ठंड पानी वाह हाँ खूब कोल्ड है थे देखा वाव मार लेते थे खतरों के खिलाड़ी। हाँ ना विद कैमरा नॉट पॉसिबल नहीं कैमरा छोड़ी ना थे मार वीडियो काट के तू काफ़ी अंधेरा हो चुका है गाइस अभी और मज़े आ रहे मेरे को आ रहे थोड़ा सा टेंशन में था मैं पर ठीक है हो गया। तो नहीं चल जाओ पाप लगने लगता ना भाई नंद मामा तेरी जोड़ता पॉसिबल नहीं हाँ नहीं पीते पार्किंग वाट कर वाटे था ना देवन को नहीं आते अपन वो पटा के देख ऊंचा कहीं तरी छे एम तेम देखा देख अपने ते जवान ने कहे तो नुस्ता बेपावर चढ़ा था देख अपने ऊंचा कहीं नहीं होता देख सिम कार्ड है मोमेंटो ओके हाँ मैं इससे तो बोला नहीं जा रहा मैं इससे चल रहा हूँ देखो तेज है एक्चुअली ना अपना चेहरा देखे ते कई जरा एपथा गया हाँ ना अपन कितना डेंजर देखा रहा भामटा भामटा थे कहा अपन हाँ बहुत बड़ा लंबा पहाड़ चल लिया हमने ओके हाँ यहाँ बड़ा ना एक जगह पे टच क्या करना है उनके हाँ माँ तो क्या टेक करना मनते माता टेक ना है भाई इतना चढ़े है तो ये पहाड़ है वो मोटो है
बस। लेकिन ऐसे चढ़े हम 2 किलोमीटर भाई तमने वाट रही। हाँ रेस्टोरेंट ये एनर्जी ये। हाँ ठीक है आए दिस साइड का गैप तो पास हो गया। ओके सो गाइस नायगढ़ जो है हमारा यहाँ का वो यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है हम नायगढ़ के ऊपर खड़े अभी। मेरा कैमरा गीला हो रहा है, मैं नहीं चाहता कि उसको मैं डैमेज करूँ अभी ना। सो यहाँ से एक व्यू देख लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा कॉफ़ी पी लेते हैं बिकॉज एनर्जी नहीं है हमारे अंदर कॉफ़ी या फिर कुछ खाते। यार मैं पूरा गीला हो गया हूँ, एक्चुअली पसीने से भी गीला हो चुका हूँ और पानी से भी। तो ये व्यू तो बनता है भाई। अच्छा ये थोड़ा सा जो झरा है वो आगे जा के बड़ा बन जाता है, तो ये व्यू तो बनता है भाई। ये देखो वो सामने एक फोर्ट है, वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। चलो अभी इट्स अ टाइम फॉर व्यू। ओ कितना नीचे है, ये देखो कितना नीचे गाइस। यहाँ से अभी ऊपर का व्यू ना भाई साहब अलग लेवल पे। मतलब ये नीचे जो धारे गिर रहे ना इसके नीचे मतलब नहाने की तो जो मज़ा आएगी समर के दिनों में, मतलब अभी समझ आ रहा है। लेकिन इंडिया में अगर ऐसा वाटरफॉल होता तो भाई अपने जैसे कि गोवा में दूध सागर है ना उसके नीचे कैसे नहाते लोग, तो सिमिलर काइंड ऑफ ये फीलिंग है। बट वाओ इसके नीचे शायद अलिफ लीला का कुछ वो गुफा हो सकती है जो हिडन गुफा है। बट एक बात क्लियर है, हम आए थे उस साइड से, ठीक है वो सिटी से, वहाँ से ऐसे चल चल के फिर ऐसे आए हम आगे ऐसे करके इधर आए, मतलब ऐसे पूरा पहाड़ चढ़ के आए हम। आ जाओ सॉरी कॉफ़ी पीते हैं। कॉफ़ी का लोकेशन है, अपने बंदे फटाफट से भाग चुके हैं वहाँ पे बिकॉज वहाँ पे नंबर लगने वाले हैं। किधर है ओके इधर इधर बैठे थोड़ा सा भाई, बारिश तो फटने वाली इधर। वाह लोग साइकिल भी लेके आए, ठीक है कैपुचिनो। इस हट गया ना कैपुचिनो, उसके बाद आगे एक नहीं वैसे ही कहीं खाना। चल पहले जो देखना हो हम तेरे पर टॉप अप करेंगे। ठीक है वन सेकंड मैंने कॉफी ला दो की लेस तू कार से नहीं आता। ठीक है ठीक है चलो भाई यहाँ का बिजनेस चलना चाहिए बिकॉज नेक्स्ट टाइम अगर हम आएंगे किसी को लेके तो ये रेस्टोरेंट चलना चाहिए भाई। तो भी बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, मज़े आते हैं देखो। सो गाइस यहाँ पे कैपुचिनो नहीं है, यहाँ पे सिर्फ कॉफ़ी है और कॉफ़ी के साथ फिर क्रीम डाल के देंगे। एक नहीं था जस्ट सुबह ना अड़ता है मरवाइस खत्म कर दो ना तो करा नहीं करी सकता केला 15 रुपए इतना में। क्या ना या फ्लैश फॉल्स इन द नो शुगर ले जा एक शुगर। हाँ शुगर चल। हाँ बस इनफ चल कॉफी लें तारी
किप चिप्स पी ले। ओ भाई वाव, अभी खोलते हैं अपने पराठे। अरे वेट तो करो साला, मंजे हमने कॉफी, हाँ दिस इज नॉट फेयर ब्रो। आए कॉफी नहीं, मैं यहाँ एक कैप्पुचिनो में, सो कैफे विद क्रीमा। नहीं पर ये नाम से गला खिनखा हुई। चलो भाई पराठे अब जो पीले जाएंगे। मैं थक गया हूँ, मैं तो खतरनाक पीने वाला हूँ। सो गाइस थोड़ा सा खा लेता हूँ मैं, फिर नीचे उतरने का ब्लॉक करेंगे। चलो चलो अभी उतरते गाइस। उतरने का कंसेप्ट क्लियर है कि 40 मिनट में अपने को नेक्स्ट जो कनेक्शन है अपना वो पकड़ना है, ठीक है। तो भागते अभी थोड़ा बहुत। आरपी नाट जा तू, और तू खूब भाग जा जो आपू भागे। उतरना इज इजी ब्रो।